मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में एक ऐसा गांव है जहां पर गांव के हर दूसरे घर में एक शिक्षक है। इस बम्बाड़ा गांव को अब शिक्षकों के गांव के नाम से भी जाना जा रहा है। इस गांव के शिक्षक देश विदेश तक शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इस गांव के 250 से अधिक शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण इस गाँव पर माँ सरस्वती की कृपा मान रहे हैं। इस गांव को शिक्षकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ऐसे परिवार भी हैं कि जिनके परिवार में दादा, पिताजी और बेटा भी शिक्षक है। इस गांव के शिक्षक प्रमोद महाजन दुबई में प्राचार्य के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद शिक्षक बने और विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। गाँव के शिक्षक सुधीर महाजन तत्कालीन राष्ट्रपति के हाथों से 2020 में सम्मानित भी हो चुके हैं, जो आज महाराष्ट्र अमरावती की पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं। शिक्षक महेंद्र महाजन, राहुल चौधरी और कैलाश राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव पर माँ सरस्वती की कृपा है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से मिले प्रेरणा से ही गांव के 250 से अधिक शिक्षक विद्यार्थियों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बहुएँ भी कम पढ़ी हुई आती है, लेकिन उन्हें भी पढ़ाकर शिक्षित बना दिया जाता है। शिक्षकों का गांव कहलाता है ये बम्बाड़ा, और क्या खासियत है, मतलब क्या देना है? सर आप देखिए, आसपास के सभी गांवों में हमारे एकमात्र बम्बाड़ा ऐसा गांव है कि यहां पर सबसे ज़्यादा शिक्षक है, और शिक्षक शिक्षक साथ में सैनिक में भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है, और मतलब बाहर कंपनियों में या सरकारी गांव में बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत लोग। क्या खासियत रही है, मतलब उसके पीछे क्या शिक्षक क्यों बने यहाँ के लोग? हमारा एक ये है कि एक सपोर्ट बना हुआ है सभी का, सभी गांव वालों का एक सपोर्ट बना हुआ है, जिससे सबको प्रेरणा मिलती है। और जैसे जो पुराने शिक्षक थे उनको देख करके जो हमारे युवा जो लोग हैं वो भी उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और हम भी यही संदेश देना चाहते हैं भी जो आने वाली पीढ़ी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और शिक्षित बनाए। राहुल चौधरी। गाँव के नाम से जाना जाता है ये बम्बाड़ा गाँव, और क्या खासियत है और कितने शिक्षक हो गए यहाँ पर? इस गाँव में गवर्नमेंट शिक्षक की लगभग 150 से ऊपर है, उसमें से कुछ शिक्षक अभी रिटायर्ड हुए, कुछ फौत हो चुके हैं और कुछ कार्य पर चल रहे हैं। इस तरह से इस गांव के जो शिक्षक हैं वो विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दुबई में श्री प्रमोद महाजन वह प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके ही छोटे भ्राता श्री सुधीर महाजन अमरावती में पोद्दार इंटरनेशनल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से श्री विकास महाजन डीपीसी देवास में है, ऐसे अन्य अन्य जगहों पर भी हमारे यहाँ के लोग सेवाएं दे रहे हैं। इसके पीछे हमारे गांव के जो बुजुर्ग शिक्षक हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन लोगों ने हमेशा अपने गांव के युवाओं को, अपने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में हमारे गाँव के शिक्षक हैं जो अन्य गाँवों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कई बहुएँ भी हैं हमारे यहाँ की, बच्चियाँ पढ़ी लिखी होने के बाद अन्य गांवों में शिक्षिकाओं के रूप में है, ऐसे 200 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस गांव पर। यह गांव यानी लक्ष्मी की इतनी कृपा नहीं है, परंतु सरस्वती की जो कृपा है, माँ शारदा की जो कृपा है, वह कृपा इस गांव पर बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इस गांव को शिक्षकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वाभाविक है, आप यदि जिले में कहीं पहुंच भी लोगे तो हर कोई बताएगा कि बम्बाड़ा ही एक ऐसा गांव है जहां से बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक है। आप यहां यदि सुबह देखोगे तो 8:30-9 बजे से ही शिक्षकों का अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंचना, निकलना शुरू हो जाता है। उनको देख करके हमको बड़ी खुशी होती है। हमारे गांव की एक परंपरा रही है, हमारे गाँव का शिक्षक जिस गाँव में भी है उस गाँव में वह समय पर पहुंचेगा और समय पश्चात ही वहां से निकलेगा। यह एक अच्छी पद्धति जो है वो हमको दिखाई देती है। क्या नाम? मेरा नाम कैलाश राउत है। हमारे गांव में परंपरा रही है शुरू से ही, गांव में मतलब हर दूसरे तीसरे घर में शिक्षक रहा है, भले ही हमारे गांव की आबादी कम है पर शिक्षक हमारे गांव में बहुत ज्यादा है। एक सरस्वती का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है हमारे गाँव के ऊपर, और शिक्षक का गाँव कहलाता है हमारा। क्या नाम? ईश्वर महाजन बम्बाड़ा। सेवा दे रहे हैं क्या, किस तरह के शिक्षक? हमारे ग्राम बम्बाड़े के शिक्षक लोग दुबई तक है, दुबई तक प्राचार्य है। इधर महाराष्ट्र में सुधीर महाजन ये प्राचार्य रह चुके हैं, प्रचार चालू है,
और हमारे गांव के जो युवा भी है अभी भी शिक्षकों के लिए लगातार लगातार उसकी बिल्कुल ये चालू है कि भाई अपन कहीं ना कहीं जाके शिक्षक बने और अपना स्तर बढ़ाए गाँव का। तो हमारे शाहपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे गांव में शिक्षक है। राष्ट्रपति से हमारे प्रमोद जी महाजन जो दुबई में पढ़ा रहे वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए है। सुधीर महाजन जी भी राष्ट्रपति से सम्मानित हुए है। धनराज महाजन,